शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरे बेटे को भाग जगा दे, उसे अच्छा घर दे, अच्छा वर दे, और अगर मेरे अंगना बारात आई तो ये बोला बाजे वाला ऐसी धुन बजाएगा कि स्वर्ग की अप्सराएं भी ताल भूल जाएंगी। मां कसम। बोला सुन। हाँ तो पंडित जी, क्या कहती है मेरी बहन की कुंडली? तेरी बहन की शादी बड़े धूमधाम से होगी। सच? हाँ, अरे उसके कुंडली में सुखी सुख लिखा है। सच? हाँ, और आगे पीछे मोटरी मोटर घूमेंगी। राम कसम। काम दे ना। मैं क्यों दूं अपने आप? ऊपर चढ़ तुम्हें दे। तू जानती तो है मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। ऊपर नहीं चढ़ सकती तो नीचे खड़ी खड़ी तमाशा देख। बेलू, 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 क्या हुआ? लंगड़ी आंख तोड़ने आई थी, आम की तरह लड़क गई। जवान सवाल को बोल मैना, तेरी तो दोनों टांगे सलामत है, फिर भी तेरे रिश्ते 10 बार वापस जा चुके हैं। अब तो मैंने ही पसंद नहीं किए थे, पर इसे इसे तो खत्म ना पसंद करते हैं। भैया रहने दो। बिलू, मैं अभी जोशी से मिलकर आ रहा हूँ। जानती हूँ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि तेरी शादी ऐसे घर में होगी जहाँ सुख ही सुख होगा, और तेरी बारात बैलगाड़ी में नहीं मोटर गाड़ी में आएगी। माँ कसम तत्तरा भैया। अरे एक मिनट में। ये लो बेलू, और जा जल्दी से जाके तैयार हो जा, देखने वाले आते ही होंगे। भैया। अरे जा ना। चले। भोला और बेलू को मैंने अपना पेट काट कर पाला है, खुद नहीं खाया इनको खिलाया है, ताकि लोग ये ना कहें सौतेली माँ है बच्चों पर जुल्म किया। जब ये दोनों नन्हे से थे तो इनके पिता सर्वास हो गए। सुनिए, बारात में छोटी सी लगेगा, ज्यादा खर्चा करने से क्या फायदा। प्रणाम गंगा प्रसाद जी। जीते रहो बेटा, मैंने सोचा आज ही चल के तुम्हारी बहन को देख लूं। आपने बहुत अच्छा किया। भोला बेटे, जाके जरा अंदर से बेलू को लिया है। जा बेटे। अरे बेलू, तेरे ब्याह के लिए ये लोग तुझे देखने आए हैं। जमीन से तो आता ही नहीं। अरे कुछ नहीं, शर्मा रही है। चल ना भैया, माँ ने उन्हें मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो खुद देख लेंगे, सारे गांव में मेरे बेलू से ज्यादा सुंदर है कोई? चल पगली। ये क्या, ये तो अपाहिज है। पाँव में जरा सी खराबी है, 4 पैसे आएंगे तो इलाज करा दूंगा, ठीक हो जाएगी। तब तक क्या मैं लंगड़ी बहू को अपने घर में रखूं? ओहो, तो आप ले जाइए ना लड़की को, इलाज करवा लीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी। भला इसमें इतनी अर्जेंट की क्या बात है? बेशक है, मेरे लड़के के लिए चौधरी तक के रिश्ते आए, मैंने सोचा किसी गरीब की लड़की लाऊं। बिरादरी वाले जब देखेंगे इसको तो थूकेंगे मेरे मुंह पर। चलो बेटे। नहीं नहीं गंगा प्रसाद जी, नहीं, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, धीरे से काम लीजिए। मेरी बेलू भोली है, नेक है, बहुत से गुण है उसमें, सारे घर भर का काम जानती है। ऐसी बहू आसपास के किसी भी गांव में आपको नहीं मिलेगी। ना मिले तो ना सही, मैं तो बगैर दहेज के ले जा रहा था इसे। अब इसके साथ 10,000 रुपए का दहेज दोगे तो भी कोई ब्याहेगा इसे, वरना सारी जिंदगी कुंवारी रहेगी। चलो बेटे। 10,000? हाँ हाँ 10,000। कमा के ला तो पता चले आटे दाल का भाव। मेरे सीने पर तो तुम दोनों मूंग दलते हो। और तू अभागिन,
पैदा होते मर जाती तो अच्छा था। अब भी कौन सी कमी रह गई मरने में, सारा दिन तो कोसती रहती हो। भैया मेरा तो नसीब ही ऐसा है, तुम क्यों कुछ कहते हो। अरे ये क्या कहेगा, तूते बजा कर चार पैसे क्या कमाने लगा है तो अपने आप को खलीफा समझता है। ऐसे ही गुमान है तो ला 10,000 रुपए और कल लगने की शादी। जरूर करूंगा, शहर जाऊंगा, 10,000 क्या 10,00,000 रुपया कमा के लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और अपनी पेलू की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा। और दूल्हा, दूल्हा घोड़े पर नहीं मोटर पर बैठ कर आएगा, माँ कसम। हाँ। और तू आगे आगे तूती बजाएगा, चल जाके लकड़ी काट। और तू क्या खड़ी खड़ी तू कर रही है, जाके ये कपड़े उतार, चूल्हा जला, काम चोर कहेगी। भैया इसमें पराठे और अचार रख दिया है, रास्ते में जरूर खा लेना। अच्छा मेरा कितना ख्याल रखती है बेलू, जब मैं वापस लौटूंगा ना, तेरे नाजुक से हाथ जो घर का काम कर करके खुरदुरे हो गए हैं, सुहाग की मेहंदी से चमक उठेंगे। भैया फिर वही बात। क्यों, तुझे अपने भैया पर भरोसा नहीं है? मोती सुन, तू भी बेलू का ख्याल रखना, अगर जरा सी भी गड़बड़ की तो देखना। माँ मुझे आशीर्वाद, माँ मुझे आशीर्वाद दो, जिस काम से मैं जा रहा हूँ उसे पूरा करके वापस। और अगर काम पूरा ना हो तो घर भी वापस लौट कर आने की जरूरत नहीं है, मैं समझूंगी भोला मर गया। माँ ये कैसी बातें कर रही हो तुम, भैया पर कहीं जा रहे हो तुम? तू चुप रह, सुन भोला, खर्चा पानी भेजते रहना, नहीं तो इस लंगड़ी को किसी लंगड़े लूले के गले में बांध कर मैं हरिद्वार चली जाऊंगी, ये मत भूलना। अरे भोला कहाँ गंगापुर जाते कहा? चाचा शहर जा रहा हूँ पैसे कमाने। फिर गांव वापस लौटिए कि नहीं? अरे जरूर। और तब मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। अपने पसीने को मोती कर दूंगा, मोतियों से बहना की मांग भर दूंगा, आएगी बारात देखेगी सारी दुनिया, होंगे लाखों में एक दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। Thank you.
फिर वही वारदात, फिर उसी तरह की चोरी। सर मेरे ख्याल में ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता, इसमें जरूर किसी इंटरनेशनल गैंग का हाथ है। एक्सक्यूज मी सर, इस केस में किसी इंटरनेशनल गैंग का नहीं, सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है और वो है ये। सूरत तो जाने पहचानी लगती है, कौन है ये? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, वो तो बहुत अमीर आदमी है। गरीबी से ज्यादा अमीर इंसान को चोर बनाती है सर। गरीब कानून से डरता है लेकिन अमीर कानून को खिलौना समझता है। मगर इस बात का क्या सबूत कि चोर रंजीत कुमार ही है? जिस शहर में हीरो की चोरी हुई, हवाई अड्डों और होटलों की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि चोरी से पहले या चोरी के बाद रंजीत कुमार उस शहर में अपने बिजनेस के बहाने मौजूद था। हाँ मगर शक के बिना पर हम इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर प्रधान। शक के सबूत में बदलने के लिए मैं हाजिर हूँ सर। रंजीत कुमार की दो कमजोरियां, एक कीमती हीरे और दूसरी खूबसूरत लड़की। सर अगर सीआईडी ब्रांच से मुझे एक खूबसूरत और होशियार लड़की की मदद मिल जाए तो रंजीत कुमार को पकड़ने में आसानी होगी। गुड। मिस वेरा, मिस लीना को बुलाओ। यस सर। हाँ तो इंस्पेक्टर प्रधान, क्या प्लान है तुम्हारा? सीआईडी ऑफिसर मिस लीना का नाम रीटा होगा और वो अफ्रीका के किसी हीरो की खान की मालकिन होगी। उसकी मुलाकात रंजीत कुमार से कराई जाएगी ताकि रंजीत कुमार अपनी कमजोरियों के शिकंजे में आकर खुद गिरफ्तार हो जाए। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, इंस्पेक्टर प्रधान ने हीरो वाले केस के बारे में कुछ सोचा है। इसका प्लान है कि तुम हीरो की खान की मालकिन बनकर रंजीत कुमार से मिलो और उसके साथ कुछ ऐसी दोस्ती पैदा करो तो वो एक ना एक दिन अपनी चोरी की आदत से मजबूर हो जाए और हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते। और इस सारे प्लान को सच्चाई का रंग चढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर जगदीश आपके अंकल और मिस मेरा आपकी आंटी बनकर आपके साथ रहे। लेकिन रंजीत कुमार से हम सबकी मुलाकात कैसे होगी? एक आलिशान मकान किराए पर लिया जाएगा और एक शानदार पार्टी दी जाएगी जहां पर शहर के बहुत सारे रईसों के साथ साथ मिस्टर रंजीत कुमार को भी बुलाया जाएगा। इंस्पेक्टर प्रधान, मेरे ख्याल में रंजीत कुमार काफी होशियार आदमी है, हो सकता है हम में से किसी को पहचान जाए। दैट्स अ पॉइंट। तो फिर एक ऐसी पार्टी का इंतजाम किया जाएगा जिसमें वो हमें ना पहचान पाए। ठीक है, तुम लोग फौरन प्लान के मुताबिक काम शुरू कर दो। अरे हाँ बैंड मास्टर, अरे काय को पैसा बचाता रे? देख रोटी गले में जाम हो गया ला, चाय के साथ खा ना। नहीं नहीं, ये हिचकी है, हिचकी याद की, हिचकी गांव में बेलू मुझे याद कर रही है, पहुंच की चिट्ठी नहीं लिखी ना। कौन से गांव से आए रे? भोजपुर। भोजपुर? ओ जिला रायबरेली। अरे अपना मामा है ना, उसकी सास की छोकरी का शादी भी अपन उधर ही बनाया। बंबई में क्या करने को आया तू? आया तो पैसे कमाने था पर आते ही चोरी हो गई। चोरी हो गई? क्या? इज्जत। इज्जत? पगड़ी आदमी की इज्जत होती है ना, कल शाम चोरी हो गई। मास्टर ये तो पहली चोरी है, अपन आज से 10 साल पहले बंबई में आए थे माल बनाने को, पर इधर का पब्लिक ने अपन को ऐसा बनाया कि खाली 4 कप और ये केतली रह गया। ले पकड़ चाय। पैसे? अरे काय को पैसे का बात करते रहे हैं? तेरे से पैसा मैंने मांगा, जब तेरे पास पैसा होएगा ना तो तू अपन को एक चेक दे दे रहा है। अपन ने आज तक साला चेक नहीं देखा यार। हाँ रोटी खाओ रोटी। हाँ असली घी में बेलू ने बनाई है। अच्छा, अरे इधर तो असली घी देखने को नहीं मिलता, इधर तो दूध नकली, घी नकली, आदमी नकली, औरत नकली, सब नकली। बंद हो गई क्या? इसकी। अरे आता ना वाला खैर। अच्छा भाई अपन चलता है, अपना धंधे का टाइम हो गया। अच्छा और सुन, अगर अपने को मिलने का हो ना तो वो कांग्रेस ऑफिसर ने, कांग्रेस ऑफिसर
उसके बाजू में सोता हूँ मैं। हैं? अच्छा, वो चाय मास्टर। हाँ? दोनों? तुम बहुत अच्छे हो। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। रंजीत कुमार है ना, उसके लिए रास्ता ब्लॉक कर दो। आइए। हाँ, सड़क पार कीजिए। गाड़ी नहीं लाया आप? हाँ, गाड़ी नहीं लाया आप? गाड़ी यहाँ कैसे आती? गाड़ी तो मैं स्टेशन पर छोड़ा। अच्छा अच्छा, जाइए। अच्छा, गुड इवनिंग सर। ऊपर जाइए। ऊपर जाओ। हाँ हाँ, सब लोग आ चुके हैं, सिर्फ आप ही की कमी थी। मेरी कमी थी? हाँ। किस लिए? बाजा बजाने के लिए। बाजा बजाने के लिए। अभी जाते हैं। आजा आजा आजा। रेडी रेडी रेडी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, 100 साल की होगे। माफ करना बाबा, छुट्टा नहीं है। अरे इधर तो आइए, बताओ क्या खर्च हुआ है इन कपड़ों पर? इन कपड़ों पे खर्च तो दादाजी ने किया था, लेकिन माँ बतला रही थी कि उस जमाने में चांदी के पूरे 2 रुपए खर्च हुए थे। 2 रुपए? हाँ। गौरे शंकर, जय हो महाराज की, जय हो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। महाराज आप तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी नहीं, आनंद स्वामी। लेकिन महाराज मंदिर छोड़ के यहाँ? ये भी तो एक मंदिर है, वो भगवान का, ये धनवान का। आओ, तुम्हें मंदिर के दूसरे पुजारियों के दर्शन करवाओ। हाँ, करवाइए करवाइए। रंजीत बाबू का भोला। भोले शंकर। सबने मिलकर स्कीम बनाई। आइसक्रीम बनाई है? अरे छोड़ो यार, कुछ दिनों में वो लोग शहर में दंगा करने वाले हैं, तो 3 रोज के लिए शहर बंद रहेगा। मौका अच्छा है, अनाज और घास लेट को गोदाम में बंद कर ले। दंगे के दिनों में चौगने मोल बिकेगा, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिल जाओ। हाँ। हाँ। नहीं, 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 ये तो पाप है। अरे पापी तो दंगा करने वाले है। ये फालतू का शरबत है ना? सोमरस। शराब? हाँ। छोड़ो भी एक्टिंग, गड़बड़ डाउन। माँ कसम बहुत बुरी थी। हाय डार्लिंग। भोला। हेलो डार्लिंग। भोला। अरे 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 भाई जी, हाथ तो छोड़िए, लोग क्या कहेंगे? ओहो, अब आया लोगों का ख्याल? उस वक्त नहीं आया था जब मेरी बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डालकर प्यार के दावे क्या करते थे? दावे? नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे कोई प्यार के दावे नहीं किए, ना ही मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली है। अरे मेरी आंखें कोई सुरमा है जो आपकी आंखों में डाल दूं? हाँ। मजाक मत करो, धोखा दे के भोले बनते हो? बनता नहीं, इसलिए तो इस परिस्थान में फंस गया हूँ। फंस तो मैं गई थी तुम्हारी मीठी मीठी बातों में, जो तुम्हें अपने अरमानों के साथ खेलने दिया। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने झूठे मक्कार। ज्यादा पटर पटर मत करो, जब मुझे गुस्सा आता है माँ कसम तो पकड़ चुटिया बाहर निकालो। अरे अरे भाई जी, भाई जी मेरी बात बात। मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया जी। माँ कसम वो तो अपने आप मेरे हाथ में आ गई थी। हाँ। सब कुछ समझ गया। किसी से कहना मत जी, मैं तो यूं ही आ गया। इधर आओ। हाँ। तुमने किसी से कहा तो नहीं कि तुम कौन हो? अजी मैं तो कहते कहते थक गया, लेकिन मेरे कोई सुनता ही नहीं। ये लोग सब समझते हैं कि मैं रंजीत कुमार हूँ। आखिर ये गधा रंजीत कुमार है कौन? तुम
मैं? हाँ, भलाई इसी में है कि चुपचाप बने रंजीत कुमार और देखते जाओ तमाशा, कहीं सच बोलकर खुद न बन जाना तमाशा। मगर मगर आप तो जानते हैं ना कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जानता हूँ, ये झूठ का बाजार है भोलेनाथ, यहाँ की हर चीज झूठी है, झूठे लोग, झूठे चेहरे, झूठी परियां। नमस्कार। नमस्ते। ये परी कौन है जी? आम्रपाली। आम्रपाली? वो पिचकर वाली? वहाँ के शेर तो आपके इतने करीब आ जाते हैं कि आप उन्हें छू नहीं सकते। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कीजिएगा, पिचकर में अम्रपाली को देखा था, बिल्कुल आप जैसी लगती थी, इसलिए देख रहा था आप असली हैं या नकली। आपसे मिलिए, ये है शहर के मशहूर आदमी मिस्टर रंजीत कुमार और आप मिस रीता देवी, आप इनके अंकल और आंटी। अफ्रीका में बहुत बड़ा बिजनेस है इनका हीरो का। अच्छा, तारीफ तो बड़ी सुनी थी आपकी। मेरी तारीफ किसने की? ये बाजे बजाने के हैं या सिर्फ दिखाने के लिए? ना ये बजाने के हैं ना दिखाने के, अरे ये तो पेट की आग बुझाने के लिए हैं। अजी ये तो सिर्फ इनका ट्रेडमार्क है, असली बाजा तो इनका बिजनेस के मैदान में बजता है। अरे बिशन पहलवान के मैदान की क्या बात करते हैं, हमारे दादा ने तो पानीपत के मैदान में बजाया था बाजा, माँ कसम। दादा का बाजा तो बज चुका, अब पोता कुछ बजा के सुनाए तो जाने। अजी बोलिए क्या सुनिएगा, पहाड़ी बीम पलासी दादरा, बोलिए बोलिए बोलिए। सारे गामा ही बजाते तो काफी होगा। बजा दू? बजा दू। वाह 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 वाह, क्या बजाया है आपने, अच्छा लगा जी। मालूम होता है पोते ने तोते की तरह एक पीस रख लिया है, वरना ये चेहरा और इस पे म्यूजिक का चेहरा। अरे 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 अरे, चेहरे पे मत जाइए भाई जी, दिल देखिए दिल, दुनिया चेहरे से अक्सर धोखा खा जाती है। हाँ क्यों रीता जी? जी जी।